73 का पावर प्रिंट करा ना, मुझे 93 का चाहिए। तो 93 के लिए मुझे करना पड़ेगा, हाँ जना 93 का। फिर मैं कोई और आता और कहता जी मुझे 173 का चाहिए। बिल्कुल वही करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि 1000 मेरे का कस्टमर है, एक कस्टमर को चाहिए 73, एक को चाहिए 93, एक 53, एक 83। इस तरह हजारों आते हैं, हजारों लोगों के अपने अपने भाड़े होते हैं, उनको उनको चाहिए। तो मुझे हर एक के लिए कोड में जाके कोड चेंज करनी है। ऐसे जो नेक्स्ट टारगेट है ना हमारा, वो ये है कि हम इसको मिनिमाइज करें। क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ कहाँ जाके चेंजेस करनी पड़ेगी। जो कि आप सबको पहले ही पता है, ओके, एंड यू विल सी इट्स रिपरकशन। बट अभी मुझे कितनी जगहों पर जाकर चेंज करना पड़ेगा? 20 जगह, इधर भी और इधर 20 चेंजेस करने पड़ेंगे। कितने चेंजेस करने पड़ेंगे? 20। लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। लुक एट दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक वन पेज। याद है वेरिएबल हमने बनाया था? यस। मैं क्या करूंगा? मैं एक वेरिएबल, लुक एट दिस, यहां पे एक मिनट, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स से इसका नाम रखता हूं टेबल, और टेबल के जॉब्स की वैल्यू फॉर नंबर में रखता हूं 73। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका मतलब है सी प्लस प्लस पे जब हम वेरिएबल बनाते हैं सी प्लस प्लस पे, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये इस तरह से सिंटैक्स लिखना पड़ता है, एंड फोकस करो, एंड टेबल 73। इससे होता क्या है कि आपके प्रोग्राम में जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ना हर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है ना, तो इसके इसमें ना एक मेमोरी पोर्शन होता है, ये प्रोसेस का मतलब। यहां पर ना एक्चुअली एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम होगा टेबल। ठीक है, और एक्चुअली इसके अंदर सब क्या स्टोर है? 73। ठीक है, अब जहां जहां पर जहां जहां पर जहां जहां पर 73 लिखा है, मैं एक काम करता हूं, वहां पर उसकी जगह पर जाके क्या लिखता हूं? टेबल। लुक एट दिस, ये क्या होगा? अच्छा प्लीज, आप जिनको पता है वो खामोश है। यहाँ पर मैं इसकी जगह टेबल ही देता हूँ, इसकी जगह पर टेबल ही देता हूँ, इसकी जगह पर टेबल देता हूँ, इसकी जगह पर टेबल देता हूँ। इस तरह एक मिनट खामोश। एक मिनट खामोश। हाँ, मैंने कॉपी कर लिया था, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। काफी स्पीड जी जी बहुत स्पीड है तुम। अच्छा, ये देखो, इस प्रोग्राम को मैं जब रन करूंगा, आप जो वेरिएबल की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वो लिखा हो तो उस जगह वो उसकी वैल्यू रिप्लेस होगी। जहां पर आ जाएगा टेबल 73 मल्टीप्लाई करवा और वो आंसर, लेकिन आंसर ठीक नहीं है। यहाँ पर आंसर बिल्कुल ठीक है, यहाँ क्या मसला है? क्योंकि वो डबल कोट के अंदर लिखा है, तो वो उसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं है। तो द वे टू फिक्स इट इज कि मैं एक्चुअली क्या करूं, इसको यहां लिख देता हूं और इसको मैं डबल कोट से बाहर ले जाता हूं। इसे समझ आ गया? यानी कि ये टेबल जो है, मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में रिप्लाई करता हूं और यहां पर मैं ये, तो जहां पर भी वेरिएबल का नाम डबल कोट के बाहर आएगा उस जगह क्या चीज रिप्लेस हो जाएगी? उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। सो यहां पर हम ये कर देते हैं, इसी तरह यहां पर भी हम ये कर देते हैं। ठीक है जी, मैं ऐसा करता हूं, उसकी जगह मैं ये कंट्रोल सी किया, मैंने कंट्रोल एच किया, कंट्रोल इज एक्स रिप्लेस होता है। इसकी जगह मैं क्या करता हूं, हमें क्या रिप्लेस करना चाहिए? या नहीं चाहिए टेबल, या नहीं चाहिए दिस और ये। ठीक है, तो यहां करते हैं रिप्लेस ऑल। कितने गया जी? किससे गया? टेबल लेवल नहीं है, बहुत सारे पकड़ रहे हैं भाई, झटके उसके छोटे बड़े झटके नहीं। लुक एट दिस, हमारा टेबल
अच्छा आप जी मुझे फॉर एग्जांपल जी ज़ैनब आती है कहती जी नहीं नहीं ये मुझे ना चाहिए मुझे 143 का चाहिए ऑल वी विल चेंज इज जस्ट वन लोकेशन यहां जाके लिख देंगे 143 और ये ज़ैनब ने ये लो हमें हर जगह पर उसे चेंज नहीं करना पड़ता हमें एक्चुअली एक ही जगह पर बनाया और हमने हर जगह पर उसको पास कर दिया एवरीबॉडी अंडरस्टैंड लेकिन लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप एक बात याद रखें आप जब प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम तो प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको आप अपने क्लाइंट को ये प्रोग्राम नहीं देते आप एक्चुअली पता क्या देते हैं आप एक्चुअली अपने क्लाइंट को ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं और अगर इसको मैं रन करूं तो ये तो हमेशा मुझे क्या आउटपुट कर रहा है 143 आउटपुट कर रहा है यानी फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया है तो सॉफ्टवेयर तो मुझे हमेशा 140 ये एग्जीक्यूट ये देता हूं मैं दोबारा चलाऊंगा इसको तो ये मुझे दोबारा ही दे देगा आप अपने क्लाइंट को पता क्या चीज देते हैं ये सिर्फ ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं आप अपना कोड नहीं देते कोड तो एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी होती है कोड आपके पास आपने दे दिया तो आप बच गए अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोड हमारे पास आ जाए तो हम तो अपनी सीडीए बनाने भेजना शुरू कर देंगे है ना ये बात सुना हमें अपना सॉफ्टवेयर आ जाएगा उसको मॉडिफाई करेंगे ये अपना ये हमारा हमारा नहीं विंडोज आ एक्चुअली ये जो सी प्लस प्लस का कोड जो है ये कभी भी आप अपने क्लाइंट को नहीं देते क्लाइंट क्या देते हैं क्लाइंट को आप लेकिन लेकिन आप अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी दोस्त को अपने को शेयर करना हो तो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल शेयर कर दें लेकिन आप सी प्लस प्लस आपने शेयर की तो आपकी मैं तो आपको तुगली का नाम चाहूंगा ठीक है आपको भी अपने एग्जीक्यूटेबल दे देंगे क्या मसला हमें तो हमेशा वही आउटपुट आता है यानी कि अगर ज़ैनब ये खरीद के गई और घर जाकर उसे ख्याल आया 143 के अलावा 153 भी चाहिए था तो वो तो बेचारी कहेगी यार हमें क्या पूछा और ये तो आप zeros and ones की फॉर्म में बैकएंड में पड़ा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना ये देखिए ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना इसको मैं अगर ये देखिए नोटपैड फाइल में खोलूंगा मैं ये नोटपैड में इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये देखो क्या है कैमरा को होगा ये पता नहीं क्या लिखा है ये तो मुझे समझ नहीं ये एक्चुअली zeros and ones वो zeros and ones को नहीं दिखाता ये एक्चुअली zeros and ones को फिर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिखाता है वो आज को कंबाइन करके ना इकट्ठा एक चीज दिखाता है क्या लिखा तो ये तो बड़ी अजीबो गरीब चीजें आ गई है ना मैंने भी ये नहीं लिखा था तो एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करना ज़ैनब के लिए जो हमारा हमारी क्लाइंट थी ये तो इम्पॉसिबल है और ना ही वो ये चेंज कर सकता तो वो कहता कि मैं बताया बस सा कर क्या है ना सो द थिंग इज ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है 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 ये एक्चुअली क्या कर रहा है ये हमारा टेबल प्रिंट कर रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन ये या प्लीज देखो उधर ये जो टेबल है ये जो टेबल प्रिंट कर रहा है ये 143 का बिल्कुल ठीक है लेकिन मसला ये है कि अगर मुझे कोड में चेंज करनी पड़ती है अगर मुझे रिक्वायरमेंट मेरी चेंज होती है तो मुझे जाकर एक्चुअली कोड में चेंज करना पड़ता है अगर एक बात याद रखिए जो प्रोग्रामर होता है प्रोग्राम जो खूबसूरत प्रोग्राम होता है उसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाए कि वो बिल्कुल जेनेरिक हो वो बिल्कुल जेनेरिक हो ओके हम अब अगली चीज आपको सिखाने लगे ना वो देखिए व्हाई नॉट चेंज दिस प्रोग्राम इन सच ए वे कि पहले वो पूछे कि भाई तुम कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहते हो और जो भी वो कहे कि टेबल मैंने प्रिंट करना है वो क्या कर दे उस टेबल को प्रिंट कर दे ये सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी अंडरस्टैंड याद है हमने C++
स्क्रैच में एक चीज पड़ी थी इनपुट लेने के लिए, क्या याद है आंसर जिसमें आता था आस और फिर ये समथिंग होता था मैसेज और क्या होता था और फिर हम वेट करते हैं ना, और जब तक वो एंटर नहीं करता था वो आगे नहीं चलता था। अरुण स्टैंड अप प्लीज एंड गो आउट ऑफ क्लास, गो आउट ऑफ क्लास। एक्चुअली होता यह है कि जो इंडिजर होता है ना उसकी स्पेसिफिक रेंज होती है।
अगर आप उससे ज्यादा वैल्यू दे देंगे ना तो वो पता नहीं क्या है और वो पता नहीं क्या इसने मिली। तो एक्चुअली इसको हम दोबारा चलाते हैं सर, 143 हमने पहले स्टोर किया तो उसने उसको चला दिया। नहीं नहीं उसको ही चलाया, उसने बस रैंडमली वैल्यू दी है वो वही होगी। लेट्स से 97073 करते हैं। रूडी सर ये बात समझ एक पॉइंट तक वो सही थी। सॉरी एक पॉइंट तक वो उसका करेगा। हां एक खास हद तक वो रैंक लेता है, उसके बाद वो रैंडम वैल्यू डालता है। वैल्यू क्या है जी कैलकुलेशन ये परफॉर्म करते हैं कि ये भी वो लाइब्रेरी से वैल्यू देता है। दोबारा बोल क्या? ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म करते हैं कि लाइब्रेरी से आंसर, लाइब्रेरी से आंसर एक्चुअली उसके अंदर पूरा पूरा नीचे बैक एंड पे ना है पूरा पूरा सर्किट है जो कि इसको एडिशन सबट्रैक्शन वगैरह सारा काम वो करता है। बस ना लुक एट दिस C++ में ये जो मैंने अभी प्रोग्राम लिखा है बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है अगर बेटा मैं आपको कहूँ ये कहाँ तक प्रिंट कर रहा है 10th तक। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे 10th तक आपको दे चाहिए, मुझे 10th तक नहीं मुझे 30 तक चाहिए, क्या करें? मुझे इसके लिए कितनी लाइन और लिखनी पड़ेगी? अगर मैं कहता हूँ मुझे 50 लाइन चाहिए, अगर मैं कहता हूँ 100 लाइन चाहिए, अगर मैं कहूँ मुझे 100 चाहिए तो मुझे 100 लिखनी पड़ेगी, अगर मैं कहूँ मुझे 1000 चाहिए तो मुझे 1000 लाइन चाहिए। कि मैं अगर अपनी रिक्वायरमेंट की बढ़ाता जाऊँ, लिमिट बढ़ाता जाऊँ तो मेरे रिक्वायरमेंट जो है मेरे जो नंबर ऑफ लाइंस जब बढ़ती है। अगेन एज ए गुड प्रोग्रामर यू मस्ट थिंक ऑफ दिस वे कि आपका प्रोग्राम जो है आपका जो प्रोग्राम है उतना रोबस्ट हो और इतना स्केलेबल कि वो ऑटोमेटिकली इस चीज को हैंडल करे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? अच्छा लेजर से काम है, यदि ऊपर है एक डिफरेंट ब्लॉक, ठीक है? C++ में उसका तरीका क्या होता है? और वो तरीका होता है कि ना इसे कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं while और यहाँ पे लिखते हैं some statement और यहाँ एक ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे होती है कंडीशन और यहाँ पर हम एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे। इसका मतलब क्या समझने की कोशिश, वो कहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करो, फिर दोबारा से कराओ तो क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? ये ट्रू है तो ये काम अभी दोबारा करो, फिर क्या होता है दोबारा आता है कंडीशन चेक करता है ये काम दोबारा करता है। जब तक दोबारा आया अगर कंडीशन फॉल्स हो तो नहीं करेगा, वो ये इसके अंदर दोबारा नहीं आएगा और यहाँ पर रहेगा, ठीक। Let me show you an example, okay? Very good. Thank you. अच्छा, look at this. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वही look at this. मैं अपना एक variable बनाता हूँ, इसका नाम है for example integer, और इसका नाम है for example limit, और इसकी for example value है 10. क्या value है? 10. Okay? Now look at this. यहाँ पे ना एक और वेरिएबल है जिसका नाम है लेता हूँ int i जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1, ठीक है? एवरीबॉडी एग्री? मैं यहाँ पर एक काम करूँ, लुक एट दिस व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, आप लेटा मुझे बताना है क्या होगा। बाद में एक और वेरिएबल भी है जिसका नाम है int table,
जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल है थर्ड लेट्स से 60, ठीक है ना, लुक एट दिस, अलग बात। व्हाट अबाउट कि मैं ये करूं, यहां पे लिखूं सी आउट, यहां पे लिखूं मैं टेबल, ठीक है। आई की बेटा वैल्यू कितनी है, मैं कहूं टेबल, यहां पे लिखता हूं क्रॉस, ओके, यहां पे मैं लिखता हूं आई, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल टू, और यहां पे मैं लिखता हूं टेबल इनटू आई, और यहां मैं लिखता हूं एंड एल, ओके। नाउ लुक एट दिस, आई की बेटा वैल्यू कितनी है, टेबल लिमिट की वैल्यू होने का मैंने बता दिया, ठीक है। यहां पे क्या वैल्यू है, टेबल की वैल्यू है 16, ओके। यू नो व्हाट विल हैपन, यहां पर आएगा, यहां पर ये प्रिंट करेगा 16, यानी का जोस की प्रिंट होगा 16, फिर आएगा ये यानी क्रॉस, आएगा 1, आएगा इक्वल टू, आएगा टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि टेबल की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई आई वैल्यू 1, चेक आया कितना आएगा 16, ठीक है। ये आएगा, ये दोबारा चलेगा, इमेजिन करो कि लिमिट की वैल्यू अभी तक ट्रू है, अब ये दोबारा आएगा तो दोबारा भी एग्जैक्टली वो यही चीज करेगा, ये बस समझ, यानी 16 मल्टीप्लाई दोबारा ये 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16 प्रिंट होगा। याद है हमने एक वेरिएबल के अंदर चेंज कर सकते थे, चेंज वेरिएबल बाय ना चेंज बाय दिस, जो भी कहते थे हम उसमें उस वर्ड चेंज करते थे, मैं छोटी सी चेंज कर रहा हूं, छोटी कितनी सी चेंज कर रहा हूं, और ये है i इज इक्वल टू i प्लस 1, ये है इसका मतलब पता क्या होगा, चेंज i बाय 1। अब क्या होगा, अगली दफा जब ये चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो चुकी होगी, यहां पर आएगा, यहां पर लिखेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, अगली दफा जब आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 16, यू ऑल एग्री, ये तो एक लाइन ही मैंने चेंज, और मैं एक काम और करता, और वो ये, यहां पर मुझे बताओ कंडीशन क्या होती है, क्या लिमिटिंग कंडीशन होती है, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू वैसे चलते रहना चाहिए, तो पहले आई वाली 1 होती है तो टेबल जो है वो 1 वाला पिट, जब आई वाली 2 होती है तो 2 वाला, जब आई वाली 3 होती है तो ये 3 वाला पिट। मैं कब तक प्रिंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आखिरी वैल्यू प्रिंट हो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना होगा 160, उसके बाद ये प्रिंट ना हो, उसके बाद ये प्रिंट ना हो, तो यहां पर कंडीशन दूसरी नहीं पूछा, दी आर मच करता है आई लेस देन 10, आई लेस देन 10 नहीं, इसकी जगह लिमिट 10 की नहीं लिख सकते, 10 भी लिख सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन होगा यार कि आप अगर मैं लेस देन 10 कहूंगा, अगर मैं लेस देन 10 कहूंगा तो फिर मैं प्रोग्राम में अगर मैं लिमिट की वैल्यू 20 कर दूं तो फिर 20 तक चलना चाहिए, फिर तुम्हें दोबारा यहां जाकर चेंज करना पड़ेगा, है ना। मैं अब एक्चुअली थोड़ी देर, अरे भाई भाई लेस देन 10 करेंगे ना तो ये सिर्फ 9 दफा प्रिंट करेगा, 10 से प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये तुमने आई इज लेस देन 10 लिखा, जब आई मेरी 10 होगी तो ये नहीं चलेगा, एक और बात सुनो, लेस देन इक्वल टू हो गया, और साथ अब देखिए एक और काम करते हैं, अब पूरा आगे तो ठीक चलेगा, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है, सैम समझ में आएगा, क्या मतलब नहीं इक्वल टू, इक्वल टू नहीं चलेगा तो मतलब क्या पता है, जब इक्वल हो तभी चलेगा ना, चलेगा वो भी गलत, तो लेस देन और इक्वल टू पे चलना, ठीक है। बाय द वे चेंज दिस लिमिट टू 1000 With one chain, now your program will going to print up to 1000. इसको 1 million कर दें, ये 1 million तक print करें। What a powerful way to go. Okay, आपको जो million line लिखनी थी वो million line let me write in front of you. Look at this please. By the way, किसी भी कोड पोर्शन को कमिट करना हो ना तो कैसे कमिट करता हूँ?
इसका मतलब है कि अब कोड जो है ना ये आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश एंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल इंटर कर रहा व्हाइल क्या लिखा था मैंने I is less than equal to 10 limit। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसमें मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह मैं लिख देता हूँ I, ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा वन की जगह पर I, ठीक है जी। अब ना आप बिल्ड करेंगे ना तो ये एरर देगा, कहता है आई इज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, वो पता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने आई नहीं बनाया। तो मैं एंड आई बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू शुरू में वन रख देता हूँ। इसी तरह मैं एंड लिमिट बना लेता हूँ, उसकी वैल्यू मैं यूजर से पूछ, ठीक है। तो मैं एंड लिमिट बनाता हूँ और एक्चुअली इसकी वैल्यू भी मैंने इनिशियलाइज की हुई खत्म कर देता हूँ। विच टेबल, एक्चुअली विच टेबल इतना बड़ा मैसेज कभी भी नहीं लिखना चाहिए, लिख दो टेबल कॉमा लिमिट, ठीक है। और अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ दो वैल्यूज इनपुट करवाना, टेबल भी और फिर मैं कहता हूँ साथ ही लिमिट, ठीक है। तो इस तरह सीन जो है वो आगे बढ़ता जाता है, आप जब मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करवानी हो तो आप इसको भी सीन को भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, हाँ लिमिट है तो पहले टेबल आएगा फिर लिमिट आएगी। तो लुक एट दिस, स्पेस करेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी और लिमिट में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 190 पहले 1 से शुरू करते हैं, फिर 1 में 2 1 ऐड करके 2 आएगा, फिर 2 में वो ऐड करते हैं, शाबाश। ये तो आई की वैल्यू एक्चुअली मैंने कुछ नहीं लिखा, चेंज आई बाय 1, इसके आगे वो नहीं रहेगा क्या किस तरह, इसके साथ नहीं क्योंकि इसको हम आउटपुट थोड़ी करना चाहते हैं, आउटपुट तो सिर्फ इसी का, तो वेरिएबल में मैं चेंज कर जाता हूं और यहां पर सिर्फ मैं डिस्प्ले करता हूं, वेरिएबल में डिस्प्ले नहीं करता, मैंने एक्चुअली ये क्वांटिटी डिस्प्ले करा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एक बजे प्लीज आप सारे यहां पर आ जाएं, मेक श्योर दैट एवरीबॉडी हैज दिस सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस टास्क जो हमने टेबल पर रखा है, ठीक है। सी यू एट, थैंक यू।